नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी फिर से एक नई वीडियो। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वेली है, कॉमन सर्विस संचालक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सीएससी की तरफ से बैंक मित्र पोर्टल किस तरह से लिया जाए इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में पूरे तरीके से बने रहिए, स्किप ना कीजिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से जल्द मिल पाऊँ। दोस्तों, अपनी सीएससी आईडी मैं अभी लॉगिन कर ले रहा हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर मैं कैप्चर कोड डाल लेता हूँ। कैप्चर कोड डालने के बाद दोस्तों, एक मिनट रुकिए, कैप्चर कोड दोस्तों गलत हो गया है। दोस्तों, मेरी आईसीआईसी आईडी कुछ इस तरह से लॉगिन हो गई है। तो दोस्तों, बैंक मित्र पोर्टल के लिए आप लोग के लिए पास पहले सबसे पहले आईबीएफ का एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप लोग कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो इसको दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप लोग अपने सीएससी डिजिटल पोर्टल सेवा से ही आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। मैंने भी इससे ही ऑनलाइन किया था और मेरा इसका एग्जाम का सर्टिफिकेट भी मेरे पास आ चुका है। कम से कम मुझे 2 महीने हो गए हैं। एग्जाम के सर्टिफिकेट दोस्तों पेपर पास करने के कम से कम 1 महीने बाद ही आप लोग को मिलता है। और इसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस इस तरह से होता है कि आप लोग अपने सीएससी आईडी पोर्टल को जब ओपन कर लेंगे, तो आप लोग सीएससी की तरफ से बैंक मित्र पोर्टल किस तरह से लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर नया लेना टैब, और उसके बाद यहाँ पर बैंक मित्र पोर्टल सीएससी डाल देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा। बैंक मित्र पोर्टल सीएससी डालने पर इस तरह से आने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन बैंक मित्र पोर्टल में कर सकते हैं। बैंक मित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आप लोग रजिस्ट्रेशन वाले में क्लिक करेंगे। अगर न्यू यूजर है तो दोस्तों आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे, के बाद सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग का, अगर मेरा तो मैंने दोस्तों यहाँ कर दिया है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास पहुँच चुका है ये। और अगर आप लोग ने अभी नहीं किया है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने यहाँ से कर रखा है तो मैं आप लोग को यहाँ से दिखा सकता हूँ। दोस्तों, मेरा कुछ इस तरह से बैंक मित्र पोर्टल में खोलने के बाद यहाँ पर आप लोग को मैं अपडेट दिखा देता हूँ। अपडेट में दोस्तों देख लेंगे, ऐसे लॉगिन करने के बाद दोस्तों मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है अपना, और यहाँ के लिए दे भी दिया है मैंने सीएससी वालों को, जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही पास करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए मैंने अप्लाई किया है दोस्तों, और पुलिस वेरिफिकेशन भी मैंने लगा चुका हूँ, और यहाँ से सीएससी वालों ने भी अपने पुलिस वेरिफिकेशन दे दिया है अथॉरिटी के लिए। ये देख सकते हैं मेरी पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और ये जनरेट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपने सीएससी पोर्टल के माध्यम से ही बैंक मित्र पोर्टल को लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे। आप खाली डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके ही और बैंक के अथॉरिटी लेके ही अपना काम करना है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, और इसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा। बस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको अपनी बात करनी है। अगर दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से जल्द मिल सकूँ। जय हिंद।